हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के ये स्माइलिंग फेस बनाया है, जो मतलब काफ़ी डेकोरेशन के लिए अच्छा काम करता है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। तो बस मन करा कि स्माइलिंग फेस बना देती हूँ। तो ये जो मैंने बनाए हैं स्माइलिंग फेस, ये मतलब जो आईडेक्स के डब्बे होते हैं और दवाई के जो बॉटल होती है उनके छोटे छोटे डिवाइस बनाए हैं, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। नीचे गत्ते का बॉक्स बनाया है और इसमें जो फ्लावर बनाए हैं, जो मतलब कपड़ों के साथ एक फाइबर नहीं आता है फोम टाइप का, तो बस उसी से ये फ्लावर भी बनाए हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो बस ये किचन में मैंने लगा दिया है और किचन की थोड़ी शो बढ़ गई। तो चले गए, उसके बाद मैंने रात की जो डिनर की तैयारी थी वो मैंने कर दी थी। डिनर में आज मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है और ये अंडे निकाल दिए हैं। तो ध्रुव को तो बॉयल अंडे पसंद है, तो बस उसके लिए और अपने लिए बॉयल करने के लिए रख दूँगी अंडे, और रावत जी और मम्मी जी के लिए ऑमलेट बनाऊँगी। तो चलिए, यहाँ पे मेरा दूध भी गर्म हो गया है और फटाफट से मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो अंडे ना फूट जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अंडे रख दिए हैं गैस पे। और उसके बाद ऑमलेट बनाने के लिए मैं फटाफट से प्याजों को छील लूँगी, दो प्याज कट कर लूँगी उसमें। तो चलिए फटाफट से ऑमलेट बना लेते हैं, क्योंकि इवनिंग में मैंने फटाफट से कद्दू की सब्ज़ी बना दी थी और आटा मल के रख गया था। तो जिस दिन कद्दू की सब्ज़ी बनती है ना, उस दिन या तो हमको उसके साथ दाल चाहिए होती है, या फिर मतलब जैसे ऑमलेट बना दिया या फिर अंडा बॉयल करके दे दिया, ये चीज़ें होनी चाहिए, ताकि सूखी सब्ज़ी एकदम से नहीं खाई जाती है। और अगर उसके साथ कुछ दाल या कोई और सब्ज़ी हो तो कद्दू तब अच्छे से खाया जाता है। तो बस इसलिए मैंने आज कद्दू के साथ ऑमलेट बना रही हूँ और ध्रुव और अपने लिए अंडा बॉयल करके रख रही हूँ, और थोड़ी सी दाल वैसे दिन की भी बची हुई है, और रावत जी उसको ले लेंगे और ध्रुव, बाकी मम्मी और मेरे को तो दाल नहीं चाहिए होती है। तो चलिए फटाफट से अब ऑमलेट बना लेते हैं। वैसे तो जैसे ही रात होने लगती है, हाउसवाइफ का ये रहता है कि फटाफट से अपने काम निपटाए, ताकि वो किचन से फ्री हो सके, क्योंकि रात ऐसा टाइम होता है कि हम लोगों को जल्दी फ्री होने का मन करता है और अपना थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करने के लिए आराम चाहिए होता है। तो इसलिए फटाफट से हम लोग सोचते हैं कि अपना काम निपटाएं और थोड़ा आराम करेंगे। तो बस यहाँ पे फटाफट से अपने काम कर रही हूँ, ताकि जल्दी अपना काम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा अपना जो फ़ोन वोन देखना या फिर अपना टीवी देखना वो हो जाता है, उसके बाद हम लोग अपना आराम से सोएंगे, तभी टाइम से सुबह जल्दी उठ पाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग फिर बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो फिर जल्दी उठना पड़ता है। तो इसलिए अपने कामों को फटाफट से निपटाती हूँ और अपने किचन को बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अंडे को अच्छे से फेंट दिया है और फटाफट से अब ऑमलेट बना लेते हैं। वैसे तो ऑमलेट जल्दी बना के बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है, इसलिए जिस टाइम ऑमलेट खाना हो, जिस टाइम हम खाने के लिए बैठे हैं, उसी टाइम ही मैं ऑमलेट बनाती हूँ, गरम गरम ही परोसती हूँ। जैसे ही ऑमलेट बनाया, फिर सीधा उसके बाद ही रोटी बना देती हूँ, ताकि ऑमलेट ठंडा ना हो। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने ऑमलेट बनाने की तैयारी भी हो गई है, और जैसे ही ऑमलेट बन जाएगा उसके बाद सीधा सबको खाना सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी में मैंने धनिया काट के डाल दिया है और ऑमलेट भी हमारा रेडी हो गया है। तो बस सबको मैंने डिनर करवा दिया था और उसके बाद सब अपने अपने बिस्तर में चले गए हैं, और मैं आई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि जब तक मैं अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग नहीं करूँगी ना, मुझे नींद भी नहीं आती है। तो जैसे ही सबका डिनर हुआ है, उसके बाद सीधा किचन में आई हूँ और फटाफट से अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, और सबसे पहले अपने गैस को क्लीन और बिल्कुल साफ़ चमका दूँगी, ताकि सुबह के लिए मेरा गैस तैयार रहे। और जैसे ही मैं सुबह ब्रेकफास्ट रेडी करूँ बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, तो किचन अगर साफ़ मिलेगा, गैस साफ़ मिलेगा, तभी किचन में काम करने का मन करता है, खाना बनाने का मन करता है, नहीं तो टेंशन हो जाती है कि रात के बर्तन पड़े हैं, किचन क्लीन नहीं हुआ है। तो बस इसलिए मैं किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके सोती हूँ, चमका के सोती हूँ, ताकि मेरे जो किचन है सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले और
गुड वाइब्स के साथ मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और सिंक में जितने भी मेरे बर्तन हैं उनको भी धो के मैंने रख दिया है। और उसके बाद जो मेरा सिंक है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी और बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूँगी, क्योंकि सिंक में जूठे बर्तन भी नहीं रखने चाहिए रात को। बिल्कुल सिंक हमारा बिल्कुल खाली रहना चाहिए ताकि हमें सुबह जूठे बर्तन ना मिले। उसके बाद बर्तन धोने के बाद सिंक को अच्छे से क्लीन करने के बाद जितना भी सिंक में कूड़ा था वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। और सिंक के नीचे एरिया में डस्टबिन के ऊपर जितना भी कूड़ा था वो सब डस्टबिन के अंदर रख दिया है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद जो मेरी काउंटर टॉप में जो मैंने दूध गर्म किया था वो रखा हुआ है, तो फटाफट से उसे फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ सब्ज़ी हो या दूध अगर बाहर रहेगा ना तो ख़राब हो जा रहे हैं, तो इसलिए उनको मैं फटाफट से फ्रिज में लगा देती हूँ। और जो सब्ज़ी हम मतलब शाम को लेकर आए थे, आज संडे है तो संडे मार्केट से मैं सब्ज़ी लेकर आई हूँ, तो फटाफट से वो सब्ज़ी को फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि अगर हम मार्केट से सब्ज़ी लाते हैं और अगर उसे ऐसे ही रहने देंगे, सुबह लगाएंगे ना, तब तक वो सब्ज़ियाँ सब सूख जाती हैं। तो बस उनको थोड़ा फ्रिज में लगा देंगे तो उनको ठंडी कूलिंग मिलती रहती है, तो जिससे सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होती है, सूखती भी नहीं है। तो बस इसलिए जैसे ही सब्ज़ी लाते हैं फटाफट से उन्हें फ्रिज में लगा लेती हूँ। और वैसे भी अगर हम सब्ज़ी ये सोचेंगे कि मॉर्निंग में लगाएंगे तो हमारे लिए मॉर्निंग में और ज़्यादा काम बढ़ते चले जाते हैं, तो इसलिए जो काम हमारा रात का रहता है उन्हें रात को ही निपटा देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे लिए कम काम रहे और जल्दी हमारे काम भी निपट जाएंगे। जितना जल्दी इस काम निपटते हैं उतना जल्दी हमको आराम मिलता है और अपने एक्स्ट्रा काम करने का टाइम हमें मिल जाता है। तो बस इसलिए जब भी कोई भी काम मुझे जिस टाइम दिखाई देता है मैं उसी टाइम उन कामों को निपटा देती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम मिले, अपने जो काम मुझे अच्छे लगते हैं उनके लिए टाइम मिले। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सब सब्ज़ी बॉक्स में लगा दी है और फटाफट से इन्हें फ्रिज में लगा दूँगी। तो आजकल संडे बाज़ार में मतलब बाज़ारों में तरबूज बहुत आ रहे हैं, तो बस अब गर्मी जैसे जैसे स्टार्ट हो रही है तो तरबूज बहुत ही ज़्यादा आने लगे हैं, तो बस मन किया कि तरबूज ले चलते हैं। तरबूज खाना भी आजकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पानी की कमी दूर करता है, तो बस इसलिए मैं भी छोटा वाला तरबूज ले आई हूँ ताकि एक बार में कटे और सब साफ़ हो जाए। तो बस उतना ही तरबूज लाती हूँ जितना एक बार में कटने में सब खा लेंगे। तो चलिए, जो तरबूज मैं लेके आ रखी हूँ इसको पानी में डाल दूँगी ताकि ये ठंडा रहे। वैसे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर फ्रिज से ज़्यादा बेटर होता है कि इसको अगर हम पानी में रख दें भिगाने के लिए, कुछ घंटों के लिए भिगा के रख दें, तो ये बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए अच्छा होता है। तो बस इसको मैंने अब रात को रख दिया है, तो मैं इसे कल दिन में ही खाएंगे काट के। तो फ़िलहाल अभी ये पूरे दिन पानी में रहेगा तो इसका टेस्ट और ठंडक कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैं इसे पानी में रख देती हूँ तरबूज को। तो चलिए, रात की जो लास्ट क्लीनिंग रह गई है वो किचन की नीचे मॉपिंग का काम रह गया है। रात को झाड़ू पोछा तो नहीं कर सकते हैं, पर जो रात के लिए मैंने एक पोछा रखा हुआ है किचन के लिए खासकर, जो रात को हम इससे मतलब मैं किचन को साफ़ करती हूँ और बिल्कुल क्लीन करके रखती हूँ, ताकि जितना भी कूड़ा है वो इस पोछे पे आ जाए और उसको मैं उठा के सीधा डस्टबिन में रख देती हूँ, बाहर नहीं ले जाती हूँ। क्योंकि रात का जो कूड़ा होता है ना उसे बाहर नहीं डालना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए, क्योंकि कि रात का जो कूड़ा होता है वो हमारी लक्ष्मी को साथ में ले जाता है। तो इसलिए रात को झाड़ू पोछा वैसे ना करें, पर फिलहाल गीले कपड़े से अपने किचन को हम बिल्कुल साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने गीले कपड़े से अपने किचन की क्लीनिंग कर दी है और बिल्कुल मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया है। और वैसे भी किचन में रात को गीला कपड़ा फर्श में मारना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी नीचे खाना गिरा है या कूड़ा गिरा है वो भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बार बार पैरों में लगता रहता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने किचन में गीले कपड़े से भी अच्छा क्लीन कर दिया है और आप देख सकते हैं मेरा किचन रात को भी कितना चमक रहा है। तो चलिए, अब फटाफट से ध्रुव के लिए थोड़ा एक गिलास दूध गर्म कर दूँगी और उसको दूध दे दूँगी हल्दी वाला, क्योंकि बॉर्नविटा तो ख़त्म हो रखा है फ़िलहाल। उसे मैं जब बॉर्नविटा नहीं रहता तो मैं उसे हल्दी वाला ही दूध पिलाती हूँ, और वैसे तो वो हल्दी वाला पीता नहीं है, पर जब नहीं रहता तब मैं उसे ज़बरदस्ती हल्दी वाला दूध देती हूँ। वैसे भी हल्दी वाला दूध हमें रात को ज़रूर पीना चाहिए, वह एंटीबायोटिक का काम करता है। तो चलिए, अब फटाफट से दूध देते हैं और यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करूँगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।